नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक नंदोतिया और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हम अपने खास चुनावी शो इंजन की सिटी में वोटर बोले लेकर आपके बीच हाजिर हैं। आज हम इस शो के माध्यम से जानेंगे कि मौजूदा हालातों में जनता के क्या मुद्दे हैं, जो विधायक हैं उन्होंने किस तरह के विकास कार्य किए हैं और मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार से जनता कितनी खुश है, विपक्ष ने अपनी क्या भूमिका अदा की है, इसके अलावा आगामी चुनाव में जनता की क्या राय है। तो शुरू करते हैं इंजन की सिटी में वोटर बोले। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम इस यात्री बस से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में कई यात्री हैं जो इस बस में सफ़र कर रहे हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि मौजूदा स्थिति में क्या मुद्दे हैं। तो आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं शहर के, आपकी विधानसभा क्षेत्र के? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है महंगाई का, बेरोज़गारी का। तो इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, बेरोज़गारी पे और महंगाई पे। महंगाई इतनी हो गई है अभी, जो बीजेपी की जो सरकार थी गत 20 वर्षों से, 2003 से इनकी रही है सरकार है, तो ये जो हालत है, मान लो कि आदमी 200 रुपये 300 रुपये में क्या करेगा। 200 रुपये में तो चाय पत्ती शक्कर में इसमें ही समय पूरा हो जाता है। विधायक ने किस तरह से विकास कार्य किए हैं? विधायक की तो यो रही कि सरकार बिक गई रास्ते में ही, कुछ गद्दार गद्दारी कर गए, कुछ समझदार समझदारी कर गए, कुछ 15 में बिका, कुछ 35 में बिका, इसलिए सरकार उसके ऊपर तो विधायक के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला बेचारे को। आप बताएंगे क्या मुद्दे रहेंगे जो आगामी चुनाव को प्रभावित करेंगे? सीधा विकास के मुद्दे हैं, विकास कराओ, महंगाई कम कराओ, किस तरह का विकास होना चाहिए, बेरोजगारी हटाओ। ये क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, रास्ते हैं, कोई रोड है, नगर पालिका के रोड हैं वगैरह, ये हैं, नालियां हैं, साफ सफाई है, बेरोजगारों को रोजगार दो। मेन तो बेरोजगार है यहाँ के, यहाँ के पूरी पूरी लेबर इलाके की पूरी चले निकल जाती है। कहना है कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है जो यहाँ सीधा तौर पर लोगों की एक बड़ी परेशानी है। आप बताएंगे क्या मुद्दा है जो आगामी चुनाव में उठेगा? आगामी चुनाव में ये मुद्दा उठना चाहिए कि बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है आगे, यहाँ के विधायक भी कुछ, मौजूदा सरकार ने तो 5 साल में कुछ भी नहीं करा। क्या किया है बेरोजगारों के लिए? कुछ भी नहीं करा। और विधायक ने काम किया? कोई काम नहीं किया विधायक ने, कभी आगे भी नहीं देखा कि मोटर वालों, ये स्टैंड पे स्टैंड वालों की हालत क्या है और लोगों की समस्याओं को। अब लोगों की समस्याओं को कहाँ से सुनेगा, उनको फुर्सत हो तो सुने लोगों की समस्याओं को। देखिए, विधायक के बारे में सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विधायक उनके बीच में नहीं पहुंचते और सरकार से भी वो नाराज हैं। आप बताएंगे क्या कुछ मुद्दे आने वाले चुनाव में? दादा आप बताएंगे क्या है? मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा नहीं है तो आज पाकिस्तान बन जाता हिंदुस्तान। अगर ये सरकार चली जाएगी कौन सी सरकार को आप मजबूत लाओगे बताइए? आप सरकार तो यही आएगी जो ही आनी है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रोजगार सब जगह, जहाँ कहीं जाने की जगह नहीं थी वहाँ आज आराम से पैदल जा सकते हैं, 12 बजे निकल सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? पंजाब जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं पंजाब? गौशाला में काम करवा, काम कर रोजगार के लिए। यहाँ मजदूरी नहीं मिलती आपको? काम नहीं मिल रही ना आप। तो देखिए, पलायन यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है। सीधे तौर पर इस बस में मजदूर भी सफ़र कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ रोजगार नहीं मिलता, इस वजह से वो पंजाब में मजदूरी तलाशने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि दादा आप बताएंगे विधायक ने कैसा काम किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया सर, कोई काम नहीं किया। क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो पाया? वैसे विकास होना चाहिए था, रोजगारी होना चाहिए था, रोजगार होना चाहिए जी। अभी ना तो रोजगारी ना विकास, कुछ भी नहीं है सर। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है पूरे भारत की, नहीं मतलब मध्य प्रदेश की तो मेन समस्या बेरोजगारी है। और यहाँ से लोग इतनी किलोमीटर दूर काम करने जाते हैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। कुछ तो करना चाहिए, मतलब भाजपा या कांग्रेस कोई भी हो, सरकार से मतलब नहीं है, किसी भी सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं है। हमें विकास से मतलब ग्रामीणों में जाके देखो लोग, हम खुद हमारे घर के सामने इतना इतना पानी है, नालियों में पानी नहीं निकलता, मच्छर इतने की कोरोना डेंगू जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ यहाँ की। खुद मेरे पापा कोरोना के शिकार है, मेरी भाई बहनों को डेंगू है। और ससुराल पक्ष में जाकर देखो, किसानों का देखो, बिल देखो उनका, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, लाइट कितनी परेशानियाँ, बिल देखो उनका।
ग्रामीणों में बहुत सारी चीज़ें अभी सिटी के जैसे कर लेंगे दुकान पे कुछ जाके, ग्रामीणों को क्या करेंगे, उनके दो दो बीघा जमीन है बेचारे, वो क्या करेंगे, बिल का क्या करेंगे, उनके पास कितना बिल है, कितनी चीज़ें हैं, कुछ तो होना चाहिए सरकार का। इनका सीधे तौर पर कहना है कि विकास तब होगा जब बेरोजगारी मिटेगी, महंगाई कम होगी, और ख़ासतौर पर किसानों को जो बिजली की परेशानी इन दिनों आ रही है फसलों की सिंचाई के लिए, उसे लेकर भी लोग खासे परेशान हैं। आप बताएंगे भैया, 5 साल में ऐसा कोई बड़ा काम निकाला जो विधायक को करना चाहिए था? साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि विकास तब होगा जब जनप्रतिनिधि संकल्प लेंगे कि बेरोजगारी दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, बड़े किसान हैं, अगर वो कर सकते हैं, उनके 5 लाख की फसल होती तो 50,000 बिल जमा कर सकते हैं, छोटे किसान कहाँ से करेंगे। तो सरकार का मेरा निवेदन है, मोदी सरकार को या कोई भी जो भी सरकार हो भविष्य में आए या है, कि किसानों के लिए और जो बेरोजगार है उनके लिए कोई बहुत बड़ा वो करे। मीडिया वाले सबसे निवेदन है कि हर जगह जाते हो मीडिया लेके कुछ भी दिखाते हो तुम बड़े बड़े को, गरीबों को जाके देखो किसी के पास खाना नहीं है, दो वक्त का रोड पे यहाँ पे टापरियों में जाके पड़े, उनके पास घर तक नहीं है। कहना है कि सिस्टम सुधरना चाहिए। आप बताएंगे, यहाँ एक पलायन एक बड़ी समस्या है, लोग जैसा कि श्योपुर जिले की 2 विधानसभा है, विधानसभा क्रमांक 1 श्योपुर और जयपुर, यहाँ का कम से कम 80,000 व्यक्ति राजस्थान गुजरात पंजाब सब जगह पलायन करके जाता है, वहीं मजदूरी करता है, सब गांव खाली हैं। अब ये लोग जो वोटों के लिए अभी आएंगे विधानसभा में, जो किराया दे करके अपने वोट दिलवाएंगे यार, वापस उनको पलायन वालों को छोड़ के आएंगे। तो पलायन इस जो महंगाई और जो पलायन की या बेरोजगारी की समस्या है, इस पर किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लाए वो लोग कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, कोई ऐसी कारखाना या ऐसा कोई मिल या कोई ऐसा हो कि 10-20 हज़ार लोगों को काम मिले ऐसे। और दूसरा हमारा जो क्षेत्र है जो कृषि प्रधान है, मान के चलेंगे कृषि का पूरा क्षेत्र है हमारा, 90% क्षेत्र में कृषि होती है, और जंगल का भी जो एरिया है अपना कूनो भी इसमें लगता है, कूनो भी हमारा नेशनल पार्क है, लेकिन यो भी फेल हो गया है, इससे उम्मीद जगी थी कि इससे कुछ होगा, लेकिन यो भी बिल्कुल जीरो पे चला गया चीते के मरने की वजह से, सरकार की नाकामियों की वजह से। और जो अब हमें ये उम्मीद है आगामी चुनाव में जनता कैसे तय करेगी, हम लोग कैसे तय करेंगे, लेकिन इन मुद्दों पे और जो महंगाई है और जो दलाली प्रथा है जो और जो भ्रष्टाचारी है जो मेन मुद्दा है वो भी इसका मेन मुख्य कारण है। यही कहना है कि पलायन यहाँ की मुख्य समस्या है और इसके समाधान के लिए यहाँ पर कारखाने खुलने चाहिए ताकि लोगों को मजदूरों को यहीं पर काम मिले और उन्हें दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े। भैया कहाँ जा रहे हैं? और मैं सवाई माधोपुर जा रहा हूँ। क्या किस लिए जा रहे हैं? मैं मेरी पत्नी का इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ सवाई माधोपुर। क्या यहाँ पर अच्छा इलाज नहीं होता? हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर वो ऐसा नहीं है जैसा राजस्थान में, ऐसे श्योपुर में नहीं है। अच्छी मतलब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं है यहाँ पर, तो उनकी कमी की वजह से हम सवाई माधोपुर या कोटा जाते हैं। दूसरे लोगों को भी ऐसी परेशानी होती है? हाँ, ज़्यादातर इस बस में 10-20% लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही माधोपुर जा रहे हैं। अभी इसमें रैंडम जनता से जुड़े क्या मुद्दे हैं? जनता से जुड़े मुद्दे वही हमेशा की तरह महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, यही मुद्दे हैं, पर ये राजनीतिक एजेंडे में कभी सामने नहीं आ पाते, वही धार्मिक मुद्दे। और श्योपुर को जिला बने हुए कई साल बीत गए, क्या बदलाव हो रहा है? हाँ, कुछ काम हुए हैं, पर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वगैरह कुछ बने हैं पर बढ़िया लेवल के नहीं हैं, उनमें भी परेशानियां हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं, पर काम हो रहा है, पर जितनी उम्मीद है उतना नहीं हो। तो देखिए, इनका सीधे तौर पर कहना है कि काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन जिस स्तर से होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए, उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। आप बताएंगे आप कहाँ जा रहे हैं और क्या मुद्दे हैं श्योपुर के? हम माधोपुर जा रहे हैं दिखाने के लिए, जैसे कि इन्होंने बोला कि मतलब वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है यार, बस यही। काय भी इलाज नहीं करे नहीं तो बेकार काम है सब। सोपुर माधोपुर जा रही मैं दिखाने के लिए, मेरे को तो कोई, अब मैं विधवा महिला हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं करता है अच्छी तरह, अब मुझे खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, पेंशन मिलती है। तो विकास करें तो विकास हो रहा है ना, पर अच्छी तरह नहीं हो रहा है, अच्छी तरह नहीं हो रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब लोग उनको मार रहा है, कुछ भी नहीं है। विधायक ने कैसा काम किया है? अच्छा किया उसने तो काम। क्या लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में? अब अच्छा ही होना चाहिए बस,
भाई कैसा विधायक होना चाहिए जो मतलब इसे अच्छा हो रहा है, जिसे भी अच्छा होना चाहिए। और भी देखिए, लोगों की यही मांग है कि विधायक ऐसा हो जो लोगों की समस्याएं सुने, उनके बीच रहकर वो विकास करके दिखाए जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद कल्पनाएं की हैं। तो भैया ये लोग, ये दादा हमारे साथ मौजूद हैं, दादा आप किसान हैं, किसानों से जुड़ी क्या समस्याएं हैं शिवपुर में? हाँ, टाइम पे मिल रहा है क्या है? पानी अरे सब गलत है भैया, सब काम भी नहीं करे, जैसा है काम करेगा तो खाएगा, नहीं तो क्या खाएगा? बिजली की क्या स्थिति है आपके यहाँ, फसलों की सिंचाई के लिए पानी? बिजली की सूखा पड़ा सब तमाम। आप बताएंगे? बिल्कुल, बिजली की स्थिति खराब है, गंदगी कितनी है देखो आप, यहाँ कभी सफाई होती है क्या? ये डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिले के स्तर से सफाई है क्या यहाँ पे? जिले के स्तर से यहाँ पे कितना अतिक्रमण है? यहाँ सड़कें ठीक है क्या? कुछ भी तो नहीं है। क्या कर रहे विधायक जी बैठ के, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कभी नज़र भी नहीं आते, न कोई विधायक नज़र आता है, न कोई मंत्री नज़र आते हैं यहाँ के, कोई नज़र नहीं आता है यहाँ पे। सरकार के विकास काम से कितने खुश हैं? सरकार का विकास पता नहीं कहाँ है, हमारे यहाँ तो है नहीं, कहाँ बैठी है सरकार, शिवपुर में तो है नहीं, बाकी जगह का हमें क्या पता। भूमिका की बात करें तो विपक्ष ने क्या अपनी भूमिका अदा की है पिछले 5 साल में? इस साल विपक्ष भी क्या करेगा, विपक्ष वो तो वो आएंगे, वो भी वही करेंगे जो ये कर रहे हैं। हमने तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी देखी है यहाँ पे, कांग्रेस की भी गवर्नमेंट देखी है, आज तक शिवपुर का विकास किसी ने किया ही नहीं यहाँ पे। क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है? यहाँ अच्छी सड़कें होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, लोग यहाँ से, आपको पता है कम से कम शिवपुर से भी ना करके 10-15 हज़ार आदमी जयपुर में पता नहीं कहाँ कहाँ अस्पताल में काम करने जाते, हम खुद यहाँ से बाहर काम करने जा रहे हैं, वहाँ काम करते हैं, इलाज नहीं है ढंग के, वाइफ का ऑपरेशन करवाया वहाँ जाके करवाया जयपुर में, यहाँ है ही नहीं साधन, क्या करवाएं? ना चिकित्सा कोई ढंग की है यहाँ पे, ना अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, ना अच्छी सड़कें, ये पूरा ऐसे सोच रखा है शिवपुर को, तो बस ये तो बैकवर्ड इलाका है, छोड़ दो आदिवासी है यहाँ पे, समझदार कोई है ही नहीं, पढ़े लिखे है ही नहीं, ना अच्छे स्कूल्स हैं, तो प्राइवेट है जो लूट रहे लोगों को, गवर्नमेंट स्कूलों में सुविधा है ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ के डॉक्टर से तो बुखार ही सही नहीं होता, इलाज क्या करेंगे? मेडिसिन लेते आधा आदमी कोटा जाता है या फिर जयपुर जाता है, माधोपुर, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, डॉक्टर लोग सुनते ही नहीं, मन पानी चलती सबकी, ज्यादातर लोगों को ऐसी परेशानी। 80% आदमी माधोपुर या कोटा जाता है, यहाँ इलाज होता ही नहीं। और क्या मुद्दे हैं शिवपुर में, क्या कुछ परेशानी? शिवपुर में तो परेशानी परेशानी कुछ है ही नहीं, मैं तो बाहर रहती है, रहती भी नहीं। विकास तो चल रहा है, उसे ठीक है, ठीक चल रहा है विकास। और विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं आपके? विधायक जी कोई सही काम नहीं कर रहे, विधायक जी सही काम नहीं कर रहे। कैसा विधायक होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? भाई शिवपुर का विकास होना चाहिए, शिवपुर में सब सुविधा होना चाहिए, रेलवे लाइन होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में, क्या कुछ उम्मीद है? शिवपुर का कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, जब तक ये भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है शिवपुर शहर में, हर चीज़ में रिश्वत देनी पड़ती है, जब तक काम होता है, जितने भी घरों में आवास मिले सबको तो 10,000 देने पड़े, जब जगह आवास मिली है सबको, अब कैसे विकास होगा? गरीब आदमी यूँ ही मर रहा है, बिना रिश्वत के कोई काम हो ही नहीं सकता। और इलाज की गए तो इलाज के लिए तो आए दिन ये माधोपुर में जितनी सवारी जाती गाड़ियों के अंदर सब इलाज के लिए जा रहे हैं और किसी के लिए नहीं जाते हैं, मजबूर आदमी ट्रेवल्स कर रहा है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। यहाँ स्कूल अच्छा नहीं है, मतलब बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? गांव में पढ़ रहे बच्चे, बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है बच्चे, बाहर जाते हैं, बाहर तो दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। तो देखिए इनका कहना है कि बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए दूसरे शहरों में भेजना पड़ता है। आप बताएंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए जो यहाँ पर रोजगार दे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, और यहाँ कोई कोचिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ना स्कूल की व्यवस्था अच्छी, बस मेरा ये निवेदन है। मौजूदा जो विधायक हैं कैसा काम किया है उन्होंने? ठीक है, वैसे अच्छा काम तो किया उन्होंने, मगर मेरे हिसाब से और अच्छा काम करना चाहिए, बस यही कहना है। देखिए इनका यही कहना है कि विधायक एक अच्छा इंसान बने जो लोगों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करे। कैसा होना चाहिए विधायक? देखो सर, विधायक ऐसा होना चाहिए जो अपने देश के बारे में पहले सोचे, जिस स्थिति पे आज जो अपना शिवपुर जिला है, जो अपना ये शिवपुर जिला है, तो ऐसा होना चाहिए कि इसके विकास के लिए हमें करना क्या चाहिए, किस तरह के विकास होने चाहिए, जैसे कि सर लोगों को बेरोजगार मिलना, हालांकि मानते हैं कि लोग बाग स्कूल वगैरह जाते हैं, रोजगार मिलना चाहिए, किसान लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे, इनके बाल बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो काफ़ी परेशानी आती है, दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से लोग खा पा रहे हैं यहाँ पे,
महंगाई इतनी बढ़ चुकी है हर चीज पे, लेकिन आज की प्रेजेंट टाइम जो मजदूरी वगैरह जो व्यक्ति कर रहे हैं उनके तनख्वाह वहाँ की वहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है यहाँ पे। रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है? रोजगार की तलाश में तो बाहर जा रहे हैं, सुपर में रोजगार है कहाँ है? सुपर में रोजगार है कहाँ है? लोग बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं, दो व्यक्ति रोटी कमा रहे हैं जयपुर जाके, तो यहाँ रोजगार होने की व्यवस्था होनी जरूरी है। तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि रोजगार होना चाहिए क्योंकि श्योपुर की बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है, लोग पलायन करते हैं। विकास अच्छा होना चाहिए, मतलब यानी कि हमेशा के लिए बच्चा बच्ची की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और गरीब आदमी के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। मतलब किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? जैसे कोई गरीब आदमी है, सरकार ने कैसा काम किया है? वैसे तो अभी तक तो अच्छा ना बुरा बीच में चल रहा है, और अच्छा काम होना चाहिए, और अच्छा काम होना चाहिए मतलब। तो देखिए इनका भी यही कहना है कि अच्छा काम होना चाहिए। आज के इंजन की सिटी में वोटर बोले कार्यक्रम में इतना ही, अगले पड़ाव में फिर से जनता से पूछेंगे सवाल और जानेंगे उनके मुद्दे और परेशानी। दीपक गंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर।